शर्ट में आप ले जाओ, नजदीक जाओ, कोई ना, 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 ये नहीं, कुछ नहीं करेगी यार। ओ हेलो। हाँ ओए पकड़ो धुमड़ो तो छिको धुमड़ो और धुमड़ो नहीं करें दे ओए हासा जी पकड़ो इन चलो मैं ऐसा ऐसा चल जगह बदड़ी जड़ दे ना वे जंगल का कुछ नहीं और पर ऊपर छी मुंडो छी पर और धुमड़ यहां कोरोना में कोनो आदमी ये जो के नहीं लेकिन साथ रोना ना ना एहतियात यार रखनी यार साथ में आतड़ी या लागदार होती ना जहलीयत करो है जाकर तो बुन लियो भाई बुझ बुझ लो बड़ो ए मंजूर ये रसी हिल करे ना उठने के उस रसी ने बता दियो एतनी एतनी कर बद जावे ये आखड़ नहीं है आखड़ एक जरी मिल का कर और जरी इधर उधर 40 ने ऊपर नाम है मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी, मैं चाथम गुलापुरा में रहता हूँ, तहसील लार में। हमारी ये परेशानी है कि हम अगर लार में जाते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री आती है वो लार में आती है, दूसरी आती है वलीवार में। हम दो हिस्सों में तब्दील हुए हैं। अगर हम वलीवार में जाते हैं वो कहते हो आप लार के साथ हो, अगर हम लार एनिमल हस्बेंड्री पर जाते हैं वो कहते हो आप वलीवार के साथ हो। अगर कभी बाय द वे हम अगर लार वालों से अभी जोर करके लाएंगे, या तो वो बोलते हैं घर से गाड़ी लाओ या तो यहाँ से सोमू निकालो, हमें वहाँ ले जाओ। जब यहाँ आते हैं तो वो कोई भी मानो दवाई करने के पहले तो वो पैसे लेते हैं, हाँ। दवाई करने के फ्री में वो कोई दवाई नहीं करते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सप्लाई आती है वो किस लिए आती है? मैं फार्मर हूँ, मेरे पास इस वक्त 7 से 8 घर में चारवाई हैं, गाय हैं। तो आप बताइए, अगर इस वक्त मैं इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, हम मेरी गाय को लंपी से किनाए, मुझे मानो प्राइवेट डॉक्टर लाना पड़ा, दवाई करनी पड़ी, एनिमल हस्बेंड्री से कोई नहीं आया। चाहते हैं कि हमें यहाँ तो एक तो डिस्पेंसरी बननी चाहिए, दूसरा हमें यहाँ जो मानो वैक्सीनेशन, तो अभी सब जगह लंपी स्किन की वैक्सीनेशन हुई, हमारे यहाँ हुई नहीं। यहाँ बाईपास से ऊपर मानो PMG जो SY है इससे ऊपर तो हुई लंपी स्किन की वैक्सीन, मगर यहाँ से नीचे नहीं हुई। यहाँ से ऊपर कोई कैस ही नहीं, अभी मानो जो ये एरिया है इसमें एक कैस आया है, जो यहाँ से नीचे है कम से कम वहाँ 12 केस आए हैं, मगर इन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं की। मैं गया लार में, मुझे कहा वैक्सीन, मैंने कहा वैक्सीन करो, मैंने कहा मेरी एक गाय को लंपी स्किन आया, उन्होंने बोला कि पहले हम पूरे गांव को करेंगे, बाद में आपकी गाय को करेंगे। क्या गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं कि मैं तब तक इंतज़ार करूँ कि तब तक मेरी गाय मर जाए, वो पूरे गांव को वैक्सीनेशन करेंगे उसके बाद मेरे फार्म में आकर करेंगे? अहमद कुरैशी यार, जिस हमारा रोज़गार इसी गाय पे चल रहा है, मतलब फार्म में, इस फार्म में 4-5, 5-6 गाय हमारी, यही लंपी स्किन आई है, आते नहीं हैं डॉक्टर, उनको जाकर हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो कहते हैं हमें वहाँ जाना है यहाँ जाना है, जब आए भी अगर मेहनत शिन्नत करके सोमू निकाल के फिर भी 400-500 रुपये, 1000 रुपये ले जाते, ऐसा कोई मतलब दवाई भी अच्छा नहीं देते अच्छी, क्योंकि वो वहाँ से फ़ोन करते हैं, फ़ोनों पे फ़ोन जब हमने की तो फ़ोन पे हमें कहते हैं ऐसी दवाई लाओ, वैसी दवाई लाओ, हम लाते हैं 5-6 हज़ार की 7 हज़ार की दवाई लाते हैं तो फर्क ठीक नहीं होता है। सरपंच यहाँ का फारूक अजीज़ कुरैशी, पंचायत हल्का सूंट वाली वार भी चांदन गुलापुरा में। यहाँ पर इससे पहले भी हमने सोशल मीडिया पे वायरल किया थे, हमारे यहाँ पर बहुत सी गायें हैं जो बीमारी में मुबतला थी और मर गई। यहाँ पर बेशतर जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, उन्होंने लोन निकाला है, उन्हीं का रोज़गार है। गाय के जो ये चांदन गुलापुरा में, सबसे पहले यहाँ पर तो वेटनरी का कोई सेंटर नहीं आता। बदकिस्मती से इन्होंने चांदन गुलापुरा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक यहाँ से 8 किलोमीटर वलीवार और 6 किलोमीटर लार।
जब हमारे पास लोगों की शिकायत आती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीवीओ या चीफ एनिमल हस्बेंड्री से रबता करते हैं और उनके मुलाजमों का अक्सर ये कहना है कि आप पहले हमें लिफ्ट भेजो, आज जब आप हमें लिफ्ट भेजोगे तब हम आएंगे। इस वक्त एनिमल हस्बेंड्री चांसन गुलाम मरम पर 100% नाकाम हो गई है वैक्सीनेशन करने में। आए दिन इस वक्त गायें मर रही हैं, इनको तस से मस नहीं हो रहा है। मैं हमारी आपके चैनल की वसालत से आला हुकाम तक ये गुजारिश है कि खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक कि मेहरबानी करके अगर आपके पास एनिमल हस्बेंड्री स्टाफ है आप क्यों नहीं निकालते इनको, डोर स्टेप पे इनकी वैक्सीन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। टोटल एनिमल हस्बेंड्री हाथ पे हाथ धरे रखे हुए बैठा है और एक गरीब की गाय हर दिन मर रही है। ऊपर से बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं इनका इंश्योरेंस नहीं है, ये लोग तो जाएंगे कहाँ जाएंगे, इनके पास टोटल कोई आ ही नहीं रहा है। इस वक्त आप देख रहे हो कि हालात यहाँ पर, खुद आपने देखा 5-6 गायें के कितने खतरनाक यहाँ पर हालात हैं, एक तकरीबन 2-4 गाय मर भी गई लेकिन डिपार्टमेंट का कोई आ नहीं रहा है। बार बार ये कह रहे हैं, बार बार हम मीडिया पर भी आ रहे हैं, तस से मस नहीं हो रहा है, ना बीवी को हो रहा है, ना चीफ एनिमल हस्बेंड्री को हो रहा है। हम उनसे यही कहते हैं कि कम से कम आप यहाँ पर आएँ, इन लोगों को अवेयरनेस करें, इनको क्या करना है।